दोस्तों सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। यार आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ कार्ल के एक वीडियो पे जिसमें ये इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं। इनके साथ क्या क्या होता है वो मेरे ख्याल से इस वीडियो में हमें देखने को मिल जाएगा। अगर कार्ल को आप नहीं जानते तो मैं ये बता दूँ, ये न्यूजीलैंड के हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं और जितने भी फॉरनर्स इंडिया विजिट करते हैं यार उनके साथ एक बड़ी समस्या ये है कि यार उनके साथ टूरिस्ट स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे लिए कोई सामान 20 रुपए में अवेलेबल है तो यार सेम शॉपकीपर फॉरनर से 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए तक मांगता है। तो ये टूरिस्ट स्कैम को कार्ल एक्सपोज करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यार इस वीडियो में कार्ल हैं पाकिस्तान में, ये एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान और इनकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि यार ये हिंदी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में। यार वेगा यू आस्क फॉर इट सो हियर इट इज पार्ट 2 ऑफ मी स्पीकिंग हिंदी एंड वेट वी डन दिस बिफोर राइट लेट्स गो टू पाकिस्तान इन केस यू आर वंडरिंग It's perfectly fine to speak Hindi in Pakistan. Hindi and Urdu are nearly identical languages. Maybe about 10% of the words used daily are different. So there's no problem coming here speaking Hindi and being understood. So we're just walking up to the border now, the Pakistani border. And this is the very borderline right here. नमस्ते जी, सॉरी सलाम। नमस्ते जी, नमस्ते इंडिया में चलता है सलाम पाकिस्तान। मैं हिंदी सीख रहा हूँ। उसका क्या हाल है, ठीक हो? हाँ। इसको उर्दू तो आती नहीं है? उर्दू नहीं पसंद है, आई मीन नहीं उर्दू नहीं बोलते हैं, बोलता हूँ। क्या बोलता? हिंदी सर, थोड़ा सा और अंग्रेजी। यार पाकिस्तानी आर्मी के बंदे स्माइल आ गए। या फोटो शूट फिल्म नहीं, नॉट फिल्म। मायरा खान आई हुई है? मायरा खान फेमस एक्ट्रेस प्लस मॉडल। अच्छा मुझे मालूम नहीं है। जालिमा, मुझे मालूम नहीं है। जालिमा मतलब उसके साथ जो एक्ट्रेस ये वाली? अच्छा रईस मूवी है ना। ओह माय गॉड यार ये देख रहे हो बंदा कितना ढल गया है इंडिया के इन्वायरमेंट में। इसे पता है कि मायरा खान वो मायरा खान है यार जो रईस में आई थी। तो आप ये देख सकते हो कि यार ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग है और भाई हर एक चीज़ से वाकिफ है। मायरा खान को इसने बोला आई डोंट नो हर, लेकिन यार रईस मूवी से उसने पकड़ लिया कि हाँ यार वो मायरा खान है। क्या बात है यार। Are you Pakistani? Me? Me? Are you from? New Zealand se. Oh God, New Zealand is nice place. Haan. Nice place. Bhai puri koshish kar raha hai. Australian accent bolne ki. Nahi, theek hai. Not allowed. Problem kya hai? Protection bhi hai, ye problem hai. Hamari job ka problem hai. Aur koi problem. Kitna rude hai banda. Kuch nahi hua. Shoot karte hain. Salaam. Main bhi Delhi se hu. Acha. Are wah. I'm production manager. जी, so you're looking after this? आज क्या काम कर रहा है? Dresses का shoot. क्या? Dresses shoot. अच्छा. Sapphire. हाँ. Sapphire अच्छा. कितना लेती हैं ये एक shoot के? 2 crore लेती हैं. ये. 2 crore. You like Sunny Leon? हाँ अच्छी है. अच्छी है वो. और आप? Sunny Leon पसंद है? Yeah. सभी को पसंद है यार। सबको चीज़ पसंद है। You wait within 1 hour 45 minutes. नहीं यार। No. मेरे पास समय नहीं है। You stay here. समय नहीं। What going to? क्यों? Wait. सिर्फ लड़की है यार। No. Good. Yeah. Come here. सिर्फ लड़की है यार। यार। Not going out. मैं जा रहा हूँ। No. सलाम क्यों नहीं? वो उसके होता है तुम पे लानत हो। वो सलाम को मतलब होता है सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो। ओके दैट्स गुड, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं समझे यार, हिंदुस्तान से शुक्रिया समझे। न्यूजीलैंड, लेकिन मैं दिल्ली रहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है दिल्ली। हाँ इंडिया, हाँ हिंदुस्तान। यार
वो जबरदस्ती मोक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा आपको पसंद है इंडिया, मतलब उसका कहने का यह मतलब है इंडिया इतना बेकार वाहियात जगह यार, आप कैसे रहते हो यहाँ पे, मतलब एक तरह का हेट लग रहा है उसके दिल में इंडिया के लिए। क्या बात है यार, ऐसे लोग भी होते हैं। बैठ जाए हमारे साथ, कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठ जाए हमारे साथ। नहीं नहीं ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कोई नहीं अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय 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 अलविदा। 5 मिनट बैठ जाए वैसे हमारा भी एंजॉय हो जाएगा। नहीं नहीं अलविदा यार, ये भी हार्ड हिंदी वर्ड है, 100 रुपीस हार्डली कोई यूज करता है क्या? गिव मी 100 रुपीस। क्या है गिव मी 100 रुपीस? क्या तुम पागल है? नो। अरे यार क्या तुम पागल है यार। एक बात और, जो लोग फॉरेन से यहाँ आते हैं, विदेश से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए यार, सबको ये क्यों लगता है कि यार जो भी आ रहे हैं वो करोड़पति हैं अरबपति हैं? गिव मी 100 रुपीज़, ये क्या तुक हुई भाई? वो तेरे देश को देखने आया है, वो तेरे कंट्री को एक्सप्लोर करने आया है, तो उससे पैसे मांग रहा है यार? उसने ऑलरेडी वीज़ा के लिए पे किए होंगे तेरे कंट्री को विजिट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इंडिया आया होगा तो इंडियन गवर्नमेंट उससे एज ए वीज़ा फी के रूप में पैसे ली होगी, और तू भी मांग रहा है, अब ये तो यार हद ही हो गई। 20 रुपये ना ये 30 का सेल है भारत में। इसे 30 और 40 दे देना, चलो 40 दे। अरे यार 40 दे, क्या कर रहे तू? दिस स्कैम इसको कहते हैं। हां चार्ज द प्रॉपर अमाउंट, यू डोंट वांट टू कॉज एनी प्रॉब्लम्स एट विंडीज हियर, चेक आउट। अब यहां देख लो भाई, 20 रुपए की 30 रुपए की शायद वो थी स्लाइस पाकिस्तानी रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में वो 20 रुपए में मिलती है, उसको 40 मांग रहा है, 50 मांग रहा है। तो यार ये प्रॉपर टूरिस्ट स्कैम है, और इसकी वजह से यार इंडिया और पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है बाहर के देशों में। लाहौर बहुत अच्छा ना, खाना अच्छा है, लोग कैसे? हाँ लोग बहुत अच्छे हैं। यार वो क्या लड़की है यार, डिस्टर्ब क्यों कर रही है बार बार जब वो बात कर रहे हैं? मरी गया? नहीं अभी नहीं गया, नहीं नहीं मैं मरी जा रहा हूँ। अच्छा यार वो लड़की मेरे ख्याल से ना उसको पता है कि ब्लॉगिंग हो रही है, तो वो अटेंशन सीक करना चाह रही है, ये मुझे लग रहा है। So I was chatting to the guy, the waiter, and she just yells out, give me a spoon. So she didn't interrupt me that first time, and then the second time, I'm chatting to the waiter, and she goes, give me the bill. And I said to her, you don't have to interrupt me. And then the third time, she interrupted me again on purpose, and said, take the bill to the waiter. And we were just having like a short bhai, chat. Bhai, sab log aise nahi hote, bhai, ek do mil jaye, mil jaate. Yeah, extremely rude, but there was nothing I could kind of say to her after that third time. कोई बात नहीं, वालेकुम सलाम टैक्सी ड्राइवर, आप कैसे? उर्दू बोल रहे हो? मैं व्यूइंग पॉइंट जा बहुत अच्छा चाहता हूं। हां उसके बाद शक्कर पड़ जाओ। नहीं देवू बस टर्मिनल। कितने रुपए है? 500? नो 1500। अरे यार वाह, यकीन जानो दिस पार्टी वेरी नाइस पार्क। मुझे मालूम है बट ये प्राइस बहुत महंगे है। यकीन जान आप सफर तय करेंगे आपको खुद पता चलेगा महंगा है। महंगा तो है, ये भी टूरिस्ट स्कैम। 1500 से 500 पे आ गया, मतलब यार 200-300 से ज्यादा प्राइस नहीं होगी। उसको 500 में भी फायदा हो रहा था तभी तो उसने यार परमोट आया, काफी है बैठा लिया, परमोट आया काफी है। कहते हैं सिग्नल आपने क्रॉस किया है। मैंने बोला मैंने क्रॉस नहीं किया, आप अगर जो चाहते हैं हाँ ठीक है जाओ। अच्छा सलाम, कैसे भाई? लाइक कर दो यार कार्ल के नाम पे, और सब्सक्राइब भी कर लो कार्ल के नाम पे। ये तो नहीं चलेगा यार पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ऐसे या ऐसे चलता है, ये भाई सिर्फ इंडिया में ही चलता है।
हाँ तो भैया, इस वीडियो से पता लगता है कि यार कैसे फॉरनर्स हमारे कंट्री में घूमने आते हैं और स्कैम हो जाते हैं। यार भाई को 30 रुपए की स्लाइस 50 रुपए में बेची जा रही थी, एक बंदा पैसे मांग रहा है, एक बंदा टैक्सी के जहाँ 300-400 रुपए उसका किराया है उससे 1500 रुपए मांग रहा है, तो वो यार वापस न्यूजीलैंड जाके क्या बोलेगा आप खुद समझ सकते हो। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन यार इंडिया में जो टूरिज्म के लिए एडवर्टीजमेंट आती है, इनक्रेडिबल इंडिया की जो एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें ये बोला जाता है अतिथि देवो भव। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है जो अतिथि होते हैं वो भगवान होते हैं, जो गेस्ट होते हैं गेस्ट्स आर गॉड। ये इसका एक्चुअल मतलब है, मतलब जो लोग आपके घर आ रहे हैं, आपके देश में आ रहे हैं, उनको आपको अच्छे से ख्याल रखना है, उनके साथ प्रॉपर बिहेव करना है, ऐसा देखना है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन यार हम लोग के यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। यार पता नहीं हमारे अंदर ये क्या है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी फॉरनर घूमने आता है हमारे यहाँ वो पक्का करोड़पति होगा और जितने पैसे हम उनसे मांगे वो हमें दे देगा, जितना लूट सको उसे लूट लो। लेकिन भाई एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे टूरिस्ट होते हैं यार जो यार 6-7 महीने कड़ी मेहनत से काम करते हैं और बाकी के बचे साल वो यार दुनिया घूमते हैं। तो ऐसे भी बहुत टूरिस्ट होते हैं, और यार ऐसा नहीं है कि यूरोप में अमेरिका में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी यार बहुत ज़्यादा अमीर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइम टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा TRP वाला शो है DNA, जो जी न्यूज़ पे आता है और उसके एंकर है सुधीर चौधरी। वो नंबर वन शो है प्राइम टाइम में इंडिया में। उसमें कार्ल ने यार रिपोर्टिंग करी थी और उन्होंने उसका एक मिनट का फुटेज जो है वो इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। तो इससे आप देख सकते हो कि इंडियन जो हैं वो कार्ल को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये जो स्कैम जो वो एक्सपोज कर रहे हैं वो यार कितना ज़्यादा सही है, और इससे जो गवर्नमेंट है ये भी कुछ सीख सकती है और जो जो लोग ये कर रहे हैं उनको यार सबक सिखा सकती है। जब मैंने इंस्टाग्राम पर कार्ल से परमिशन मांगने गया कि भाई मैं आपके वीडियोज़ पर रिएक्शन देना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दो, तो यार उन्होंने यार बोल दिया हाँ आप दे सकते हो रिएक्शन। फिर यार एक हफ्ता बाद उनकी मैसेज आई मुझे इंस्टाग्राम पे कि मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले अप्रोच कर रहे हैं, वो मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो क्या मैं अगर आपका मैं ईमेल आईडी और नंबर उनको दे दूं तो क्या आप रिव्यू दोगे मेरे बारे में। और यार उसके ठीक 2-3 दिन बाद मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से कॉल आई और मैंने बोला कि हाँ यार कार्ल जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यार उन्होंने फोर्स भी किया, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने यार उन्होंने फोर्स करके पूछा कि ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कार्ल जो है वो इंडिया को डिफेम कर रहे हैं। तो यार मैंने पोलाइटली बोला था नहीं, डिफेम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबक है कि उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको यार ठीक करना वो हमारा काम है, और ये एक्सपोज कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है, और इससे हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ यार लूप होल्स हैं और इसे हमें इमीडिएट इफेक्ट से फिक्स करना चाहिए। कार्ल एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और यार इंजॉय भी वो काफ़ी कर रहे हैं पाकिस्तान को, इंडिया को घूम घूम के। तो यार इनकी और सारी भी वीडियोज़ हैं, उन पर भी मैं कोशिश करूँगा कि रिएक्शन दे दूँ फ्यूचर में। तो बस यार आज के लिए इतना ही। रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें, एम करते हैं कम से कम 1000 लाइक्स की। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और हाँ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये रे मैंने इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर लें, क्योंकि यार वहाँ पे जो मैं स्टोरी लगाता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी, उन स्टोरीज को देख के आपका जो चेहरा है वो थोड़ा ऐसा जरूर हो जाएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा है।